बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मैं बेटर हूँ, आप पहले से बेहतर हूँ। थैंक यू सो मच पिछले व्लॉग पे दुआ देने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आजकल आप थोड़ा डिफरेंट शुरू हो रहा है, ये हो रहा है जी डॉलर स्टोर से, और डॉलर स्टोर में जो वैलेंटाइन की चीज़ें आई हुई हैं सॉरी, तो वो सारी मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, एंड देन हम लोग बस कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बॉक्सेस थे जिन मतलब गिफ्ट्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकते हैं, और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगे था, जो इससे पहले नहीं था वो ईयर भी। कूल, अब वो हाँ जो हाँ वुडन साइन था, वुडन था, वो मुझे बहुत हाँ अच्छा लगा था, और ये भी अच्छा लगा था। यूर कूल बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी डॉलर स्टोर में इस दफ़ा वैलेंटाइन हाँ की। शायद पहले भी आती हूँ, कभी इतना खास ध्यान नहीं नहीं, दिया। पहले हम लोग इतना ज़्यादा इतने अर्ली जाते नहीं थे, अभी अभी चीज़ें हाँ आउट हुई हैं और हम जाके, आज हम बाई चांस चले गए हैं, हमें तो कुछ और चाहिए था हाँ तो गए तो हम किसी और चीज़ के लिए थे, लेकिन देख हमने वैलेंटाइन डे की चीज़ें बहुत सारी ली। हम बनाते शनाते तो है नहीं है, अगर मनाते तो अच्छे तरीके से हम कर सकते थे मनाना तो डेकोरेशन चाहिए वगैरह। हम दोनों मैरिड हैं, बट चलो कोई बात नहीं मतलब नहीं इस तरह आई मीन वैलेंटाइन सिर्फ उसके लिए नहीं होता। आई कैन डू वैलेंटाइन विद जाइम, आई कैन डू वैलेंटाइन विद यू, आई कैन और डू लाजमी नहीं विद है कि मतलब एक स्पेसिफिक डे पे ही करो ना, फिर आप कभी भी गा लो। ये भी बहुत क्यूट था। हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट थे एक्चुअली में। ये देखो वो खुद भी कह रहा है क्यूट ही है। तो बहरहाल हाँ मतलब अभी राइट नाउ डॉलर स्टोर्स में, हमारे डॉलर स्टोर में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं थ्रू आउट द अमेरिका, यूजली होती सेम ही है, इफ़ नॉट 100% मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है। सो आप अपने डॉलर स्टोर ज़रूर चेक करें इफ़ यू डू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। आजकल बहुत क्यूट और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, दे डोंट हाँ लुक लाइक क्वालिटी ए, बहुत अच्छी थी ये, हाँ एक्चुअली में मुझे लेना चाहिए था ये, मैं वापस चाहूँगी ये। और जो डोरमेट था ना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया हाँ वो, जी तो ये भी मैं लेते लेते रह गई। हाँ क्या बोलते हैं वो स्ट्रिंग लाइट्स जो थी ना, वो मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह हाँ रूम में वो तो लगाने वैसे के भी लिए। क्यूट लगती हैं। हाँ हाँ वो कहीं पे लाऊंगी। भी लगा लें, प्यारी लगती हैं ये, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से, पानी पीने के लिए बॉटल्स, मेसन जार्स वाली बॉटल्स जो होती हैं वो थी, एंड ये सारे लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी राइट नाउ तो सब कुछ ही था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिटी मच एवरी थिंग कैच करने की कोशिश की है टू गिव एन आइडिया टू माई ऑडियंस। ये सॉक्सें थी, और सॉक्स थी, एंड इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, आप गुडी बैग बनाना चाहो तो उसमें डाल के ये चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को। तो ये ये स्कार्फ्स थे। हाँ ये स्कार्फ्स थे छोटे छोटे, ये बहुत छोटे होते हैं, ये मतलब बस नाम ही होता है स्कार्फ्स का, और लाइक आई गेस यू लिटल गर्ल्स कैन यूज, नॉट लाइक एडल्ट के लिए नहीं है। दीज वर टेबल क्लॉथ्स, उनके पास बहुत प्यारे टेबल क्लॉथ आए हुए हैं। अगर वैलेंटाइन की पार्टी हो, कह रही हूँ वैलेंटाइन की बर्थडे पार्टी हो, वैलेंटाइन डे की अगर पार्टी करें तो उसके लिए टेबल क्लॉथ वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये ऑर्नामेंट्स। मैंने नहीं देखे। ये ऑर्नामेंट्स थे, एंड दे दिस वॉज हैवी वुड, ये नकली शक्ली नहीं वुड थी, ये एक्चुअली में अच्छी हैवी वुड अच्छा वाले थे और बहुत खूबसूरत मुझे लगे हैं। मुझे लगा था कि मतलब वो एक्चुअली मैं मतलब ले के ना किसी को तोहफा भी देना चाहे तो बहुत खूबसूरत तोहफा है, अच्छा गिफ्ट है वो वाला। ये देखो तुम्हारे लिए, नो दैट्स नॉट तुम्हारे लिए, इट वाज सिस्टर्स फॉर मिस्टर्स। तो खैर ये वॉल के, नॉट वॉल के, डोर डोर के के रीथ्स वगैरह थे, एंड सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। अभी आ भी रही हैं मार्केट में, जहाँ पे जाओ क्रिसमस की चीज़ें हट के वैलेंटाइन की चीज़ें आ रही हैं। आई रियली 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 लाइक दीज, आई थिंक ये बहुत खूबसूरत होते हैं। पाकिस्तान में तो शादियों वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि ये अगर मैं कहीं भी यूज़ कर सकती तो मैं लेती, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ जाइम के साथ इस चीज़ों को अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से वो क्रॉलिंग करना शुरू कर रहा है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सामने या घर में मिनिमम चीज़ें हों, काज ही गोज़ इन टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये केक टॉपर के लिए भी यूज़ हो सकते थे, ये छोटे छोटे जो थे पिंक कलर में भी था या इसमें, मतलब ये देखो क्राफ्ट है ना, आप कर सकते हो हाँ बहुत सारी डिकोर है चीज़ें, ना। कर सकते हो ना एक चीज़ से आप तीन चार चीज़ें पांच चीज़ें
बना कुछ सकते भी हो, हो सकता यूज़ कर है, बट सकते दीज हो। आर क्यूट केक टॉपर दो, अगर माइंड में लाओ तो इनको केक पे लगाने में हाँ, बहुत और दिस इज़ ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये मुझे अच्छा लगा था कि ये ऐसा था कि आप लाइक कलर पेंट वगैरह लेके बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, प्लेन वुडन वुड की चीज़ें बनी हुई थी एंड देन यू कैन पेंट इट, यू कैन कलर इट हाउ एवर यू वॉन्ट, एक बच्चे की एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपका वो भी हो जाएगा। तुम पता है ये एक्चुअली में उसके कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। और रियली ये तो हाँ बहुत अच्छे हैं। ये वो नहीं थे, ये गिफ्ट बैग्स नहीं थे, ये कार्डबोर्ड के बने हुए थे और साथ में ये छोटे छोटे टॉयज थे कि आप अगर डाल के एक यू नो गिफ्ट बनाना छोटा चाहते हैं सा तो बॉक्स बना बना लें। ले हाँ दे वर सो क्यूट, मैं चाह रही थी कि जाइम के लिए लूँ बट ये ऑब्वियसली बस एक्चुअली फरी इस, तो खा लेता वो। हाँ ये मतलब इस तरह भी होता है ना, जैसे जाप वगैरह पे आप देते हो ना छोटा छोटा करके ना, मतलब लाजमी नहीं होता वैलेंटाइन बस लड़का और लड़की सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जाप वगैरह पे भी हम एक दूसरे को इस तरह सेलिब्रेट करने करें या ना करें, थोड़ा बहुत मतलब कोवर्कर्स देते हैं ना एक कोवर्कर्स एक दूसरे को। दूसरे को वो कर लेते थे, मतलब बस स्पेशल एक दूसरे को फील करवाने के लिए। तो जैसे ये चॉकलेट्स हैं, आप उस जो पीछे वुडन का था उसमें डाल के आप अच्छे से थोड़ा सा कोई कार्ड लिख के, मतलब आपने आप अप्रिशिएट करते हो, आप अच्छे से काम करते हो एक दूसरे के साथ, तो अच्छा लगता है रिकॉग्नाइज होना और ये वो करना। तो मुझे हमारी दे देना मैनेजर जो है तो इस तरह बहुत करती थी, वो बहुत ज़्यादा नाइस थी इस तरह। तो या चलो बट मैं तुम आपको मुझे दे दे दूँ, देना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये किस्मी का आपको ला दूँगी मैं। एओ तो खैर ये भी जो ये यहाँ पे था ये आप आगे देख भी लेंगे, छोटे छोटे जो पिंक एंड रेड एंड वाइट कलर का है ना ये पेंट है साथ में, तो इसमें ये इट वॉज अ किट के आप कर सकते हो और ये डोर पे लटकाने वाला और ये था। तो ले आते, ये तो मैं ले आऊंगी एक्चुअली, मैं लटका लूंगी अपने डोर पे। हाँ दैट वुड बी क्यूट एक्चुअली, ये अच्छा लगेगा। हाँ तो खैर ये सारी चीज़ें थी डॉलर स्टोर में भरा हुआ था। ये एक ही डॉलर स्टोर पे हम गए हैं, आई एम श्योर लाइक बाकियों पे अगर जाओ या किधर और स्टोर्स में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें मिलेंगी, बट मैंने कहा चलो ये शेयर कर लेते हैं टू गिव एन आइडिया के अगर कोई कर रहा है सेलिब्रेट तो वो कर सकते हैं। ये सारा गार्डन का था इस साइड पर स्टफ के आप गार्डन में भी लगा सकते हैं। और ये कुछ स्टैम्प्स जो हाँ होती हैं जो ये बचपन में हम भी दे लेते थे दुकान से, उस तरह की स्टैम्प्स हाँ हैं। ये वो है जो हाथ पे लगा लो एंड देन दे कैन बी हाँ वॉश्ड अवे। या नो, बहुत बहुत नाइस स्टाफ था, बहुत अच्छे से वो था। तो बस अभी हम घर जाएंगे और अच्छे से को कॉफ़ी बना के पियेंगे। अच्छा जी, तो घर आके फिर हम लोगों ने कॉफ़ी बनाई थी। काफ़ी मैंने आप पिछले व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि मैं गई थी कोरियन स्टोर वो कोरियन कॉफ़ी लाने के लिए, लेकिन वो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम लोग कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा आती है ना तो मतलब थोड़ी सी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, नए बंदे के लिए शायद ठीक हो लेकिन जो बंदा जिसको कॉफ़ी का फ्लेवर ऑलरेडी पता है उसके लिए वो स्ट्रांग नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि दूध में थोड़ी सी नेस्कैफे डाल देती हूँ ताकि थोड़ा दिस इज द स्ट्रॉन्ग रहेगा आ जाए। कॉफी। इसके अंदर ये होल्डर निकल आई है क्योंकि ये कम रह गई थी तो मैंने एक ही बॉक्स में कर दी है, बट ये मोका वाली है एंड ये कौन सी वाली है ये पता नहीं इसका कोई नाम था, ओरिजिनल थी। अच्छा मैं कह रही हूँ उसका कुछ नाम था लेकिन आई थिंक ये ओरिजिनल थी। दोनों जो है बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, मुझे एक कप में दो साशे चाहिए होते हैं, रास को एक डाल के देती हूँ अगर मैं साथ में थोड़ी सी नेस्कैफे डाल रही हूँ दूध में। तो बस साशे में जो है ऑलरेडी चीनी वगैरह एडेड होती है, शुगर वगैरह, तो आप यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड देन वंस योर मिल्क इज़ बॉइल्ड आराम से फिर आप उसे कप में डाल के एंड स्टर कर लें। हाँ जितनी स्ट्रांग चाहिए उसके मुताबिक ज़्यादा साशे डाल लें, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, पानी से भी अच्छी बनती है। हाँ सिर्फ पानी से भी, और आइस कॉफ़ी अगर बनानी हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ बस ठंडा पानी लें, ठंडा पानी लें थोड़ी सी आइस डालें एंड एक साशे डाल के बॉटल में ना और उसको शेक कर लें, यू आर गुड टू गो। दिस इज़ लाइक अ ईजीएस्ट कॉफ़ी एवर, इट्स इंस्टेंट सो ऑब्वियसली इट्स वेरी ईजी। तो खैर बस हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी फिर यही होता है कि जैन को मैं सुला लेती हूँ शाम में तो मैं और नाज साथ में कोई ब्लॉग देख लेते हैं, कुछ टीवी वगैरह देख के साथ में कॉफ़ी का एक कप पी लेते हैं इंस्टेड ऑफ चाय, आजकल हम लोग कॉफ़ी पे लगे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे गाइस दिस वाज इट टुडे फॉर, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज व्लॉग, इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।